बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए, और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूं। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसीलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ। पर वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहां के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहां कोई और पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या काम करना है? कारपेंटर ने पूछा। मैं चाहता हूं कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए, ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर यह जानकर कि यह उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहां वह बड़ी सावधानी से लकड़ियों को चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से ये सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने आपका घर तैयार कर दिया है, अब तो काम छोड़ सकता हूं? ठेकेदार बोला, हाँ आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए, अपने परिवार के साथ उस घर में खुशहाली से रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहां मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतना घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने यह घर भी बाकी घरों की तरह बनाया होता। तो दोस्तों, कब आपका कौन सा काम किस तरह आपको अफेक्ट कर सकता है, ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है, और ये समझने की जरूरत है कि हमारा काम हमारी पहचान बना भी सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम हर एक काम अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटीज के साथ करें, चाहे वो हमारा आखिरी काम क्यों ना हो। तो अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ सदैव